ये जो एक लेजर का सिस्टम है, आप क्या उसको रिकमेंड करते हैं? लेजर करवाना चाहिए क्या, वो ठीक है? अगर नहीं ठीक तो उसकी क्या वजह है? बिल्कुल, लेजर जो है आज के जमाने की एक बहुत ही बड़ी इजाद है और वाकई एक नेमत है और बेशुमार लोगों ने इससे फायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बेशुमार लोगों के किए हैं, दूसरे भी कर रहे हैं और बड़े कामयाब रिजल्ट्स हैं। सर ये है कि ऑपरेशन करने से पहले प्रॉपर वर्क का देख लिया जाए कि जो मेरे पास मरीज है उसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है कि इस वजह से ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा, अगर ये कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन कामयाब है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अलबत्ता इसका ये होता है कि 18 साल की उम्र के बाद और 40 साल की उम्र से पहले बड़ी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, और वो एग्जैक्ट जो उसका नजर होती है, जैसा हम आम ग्लासेस लगाते हैं तो उसमें नजर हमारी बदलती रहती है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो लेजर में किस तरह फिक्स हो जाता है? देखिए इससे होता है कि ये बेसिकली जो हम यंग एज के लोगों का करते हैं और वो उनकी बीमारी ऐसा नहीं होती, वो ग्रोथ में एबनॉर्मलिटी होती है। अच्छा, किसी बच्चे की आंख की ग्रोथ थोड़ी सी ओवर ग्रो हो गई या थोड़ा सा साइज छोटा रह गया या थोड़ा सा कॉर्निया में टेढ़ा बना गया, तो ये ग्रोथ की वजह से एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, अब वो एकदम स्टेबल हो गया है, हमने लेजर करके उसको रीशेप करके नॉर्मलाइज कर दिया। ओके, अब चूंकि वो स्टेबल हो चुका है ना, ग्रोथ जितनी होती हो चुकी है, ऐसे अब वो मुकम्मल है। अब अगर एजिंग की वजह से कोई नई बीमारी हो जाती है, ये परमानेंट है। ये तो नॉर्मल एक वेरिएशन थी, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी थी जो हमने सही कर दी। डॉक्टर साहब एक बहुत ये परमानेंट इलाज है, परमानेंट इलाज है।